नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश पाल, आप देख रहे हैं आपका एनबी टेक एंड ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपने पर्सनल फोटो एंड वीडियो हैक करने के लिए कई थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज करते हैं तो आपके फ़ोन में एक सिक्योर नाम का एक फोल्डर रहता है, सिक्योर फोल्डर नाम से। तो दोस्तों, आप उसमें कैसे अपने फ़ोटो एंड वीडियोस को हैड कर सकते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सिक्योर फोल्डर सबसे लास्ट में नीचे की लाइन में, तो इसको क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ओपन हो चुका है। इसे बैक कर लेता हूँ मैं और सिक्योर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, अभी एक पिन नंबर मांग रहा है तो उसमें अपना पिन नंबर डाल देता हूँ। ओके करूँगा। देखिए दोस्तों, लॉक ऐड ऐप्स ऐड फाइल्स एडिट ऐप्स। तो अब आपको अपने फ़ोटो या वीडियो कैसे हैड करनी है तो ये देखिए, ऐड फाइल्स पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद इमेज पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो ये वाला करके दिखाता हूँ दोस्तों। डन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आ रहा है कॉपी या मूव। आप कॉपी करना चाहते हैं तो मूव, तो मैं मूव कर लेता हूँ इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, अब अगर आपका फ़ोटो कहाँ गया है देखना चाहते हैं तो ये देखिए, गैलरी पर क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, अब मेरा ये फ़ोटो इसमें आ चुका है। तो वीडियो कैसे करते हैं, वीडियो भी दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपके लिए। और दोस्तों, आप इसमें अपने पर्सनल व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड ऐप्स पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से ऐप सेलेक्ट करके जैसे कि मैं फेसबुक कर लेता हूँ दोस्तों, ऐड बटन पर क्लिक करूँगा। देखिए इधर आ चुका है ये, इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये अकाउंट मांग रहा है बनाने के लिए, तो इसमें बैक कर लेता हूँ। इसी तरह आप व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, ये भी अकाउंट मांग रहा है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको अगर इसका पिन नंबर चेंज करना है तो आप देखिए ऊपर के राइट साइड में कॉर्नर में ये थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करना है। अब देखिए ऊपर लिखा है फर्स्ट नंबर पर लॉक टेप, इस पर क्लिक करना है। पिन नंबर इसमें डाल देना है दोस्तों। ओके करूँगा। अब देखिए, ये पैटर्न पिन पासवर्ड, आप तीनों में से किसी तरीके भी का पासवर्ड रख सकते हैं। तो बैक करता हूँ दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।